तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम BBS के बारे में। BBS क्या होता है, BBS कैसे निकालें। BBS के साथ साथ हम पता करेंगे कि 8 डाई की सरिया में कितना वजन होता है पर मीटर के हिसाब से, और 20 डाई की और 16 डाई की सरिया में कितना वजन होता है पर मीटर के हिसाब से। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये बीम रहेगा। ये बीम हमारे पास है, बीम का डिटेल हमें दिया हुआ है, इसका हम BBS निकालेंगे। BBS निकालने से पहले हमें पढ़ना होगा कि बीम में कितना सरिया दिया हुआ है और कैसे क्या करना है। इसका ये डिटेल जो बीम है, ये बीम जो है टिपिकल डिटेल है, मतलब ये कि इसका जो सरिया का डिटेल दिया होगा वो हमको अलग से दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने टिक किया है B5, ये बीम है हमारा, तो इसका जो साइज़ है वो 230x450 है। और इसमें ये देखिए, आपको दिख रहा होगा CB का मतलब है कि कंटिन्यू बार। ये कंटिन्यू बार जो हमारी 3 दी गई हैं 20 डाई की, बॉटम में कंटिन्यू बार 3 दी गई हैं 20 डाई की, और एक्स्ट्रा बार दी गई हैं बॉटम में 3 बार दी गई हैं 16 डाई की। और ऐसे ही बात करें हम टॉप की, तो टॉप में हमारे जो कंटिन्यू टॉप है, कंटिन्यू जो टॉप बार है वो हमें 3 दी गई हैं 16 डाई की, और इसी तरीके से एक्स्ट्रा टॉप बार हमको दी गई हैं 3 दिए गए हैं 20 डाई की। और रिंग की बात करें तो हमारा जो कुछ रिंग है, ये जैसे कि हमारा कुछ पोर्शन है, ये कह रहे हैं कि स्टीरस इन एंड जोन L0, जो L0 है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये L0 है हमारा, तो इसमें जो हमारा रिंग रहेगा वो रहेगा 100 सेंटर टू सेंटर, 8 डाई का रिंग होगा। और इसी तरीके से इस कॉर्नर पे रहेगा 100 सेंटर टू सेंटर, और मिडिल जोन जो बचेगा हमारा उसमें रहेगा हमारा 150 सेंटर टू सेंटर। तो हम बात करेंगे कि इसमें कितना सरिया दिया गया है। तो ये आप मैंने एक आपकी आसानी के लिए बना दिया है, क्योंकि इसमें देखिए आपको 3 सरिया 16 का इसमें बॉटम में दिया गया है, तो ये 3 सरिया मैंने 16 का यहाँ पर ये 1, 2, 3 इस तरीके से बना दिया है। अब बात करें अगर बॉटम में एक्स्ट्रा भी तीन दिया गया है 16 का, तो एक्स्ट्रा 3 दिया गया है 16 का, तो इसको एक्स्ट्रा मैंने ये इस तरीके से ये 16 का 3 दे रखा है सरिया, ठीक। अब बात करें इसके कंटिन्यू टॉप में 3 सरिया 16 का दिया हुआ है, तो मैंने ये 3 सरिया 16 का, ये आपको आसानी को आपको समझाने के लिए ये मैंने अलग से बना रखा है। और एक्स्ट्रा टॉप की बात करें, एक्स्ट्रा टॉप में 3 सरिया 20 डाई का, तो मैंने ये 3 सरिया 20 डाई का बना रखा है, ठीक है। हमारा जो बीम का साइज है वह 230x450 का है। तो अब हम बात करें कि अगर हमारे पास ये सरिये हैं, तो इस सरिया की टोटल लंबाई हम कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उसकी कटिंग लेंथ हमें निकालना ज़रूरी है। अब कह रहे हैं कि थ्रो कटिंग लेंथ, मतलब जो कंटिन्यू बार है उसकी लंबाई हम कैसे निकालें। तो लेंथ ऑफ बीम, एक तो बीम की लेंथ हमें कितनी दी गई है, 3 मीटर, 3 मीटर हमने मान ली है। वैसे हमें जो है साइड पे ही हमारे जो प्लान होता है उसके हिसाब से हम उसको सेटिस्फाइड मतलब जस्टिफाइड करते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ बीम के बाद हमें डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। डेवलपमेंट लेंथ होती है ये, यहाँ तक तो हमारी 3 मीटर है, यहाँ तक हमारी 3 मीटर है। अब ये जो ये वाली आपको लाइन दिख रही, ये और इस तरफ जो आई, ये टोटल ये डेवलपमेंट लेंथ होती है। तो डेवलपमेंट लेंथ आपको समझ में आ गया होगा, डेवलपमेंट लेंथ। अब डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ होती है 50D, ज़्यादातर इसको 50D माना जाता है, 50D ही मानते हैं, अगर ना दी गई हो तो 50D प्लस डेवलपमेंट लेंथ प्लस माइनस बैंड इसका। जैसे कि अगर ये सरिया हम यहाँ से लेकर जाएंगे तो ये सरिया मोड़ेगी, यहाँ पर एक मोड़ बनेगा 45 डिग्री का, 90 डिग्री का एक जो है कोण बनेगा, यहाँ पर सरिया क्या होगी, घूमेगी। तो इसका ये माइनस बैंड होना ज़रूरी है, माइनस बैंड करेंगे। अब इसकी 16 डाई की सरिया है, तो हमारा 3 मीटर की लंबाई है, 3000 mm हो जाएगा, प्लस 50D, डाया कितना है 16 डाई का है, दो हैं हमारे पास जो सरिया। अब एक तो इस तरफ हमारा घूमेगा और दूसरा इस तरफ हमारा आकर घूमेगा, ठीक है। तो दो सरिये हमारी ये हो जाएंगी, इसी तरीके से माइनस 2 × 16 × 2, अब बैंड भी 2 हो जाएंगे, तो 2D 16 डाया हमारे पास। तो इस तरीके से 4.53 हमारी टोटल लंबाई जो है कंटिन्यू बार की निकल आएगी फॉर 3 नंबर ऑफ सिस्टम। अब हमारे पास जो सरिये हैं वो 3 हैं, तो हम इसको 3 कर देंगे, 3 × 4.53, 13.59 मीटर हमारे पास एक टोटल लंबाई की सरियाँ निकल आएंगी, ठीक है। अब एक्स्ट्रा बार कटिंग लेंथ, एक्स्ट्रा बार जो हमारे पास आएगी, तो एक्स्ट्रा बार क्या होता है दोस्तों, ये एक एक्स्ट्रा बार ये सरिया होती है, ये यहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगी,
0.3 × L1 तक ये हमारी सरिया रहती है, और इस तरफ भी 0.3 × L1 हमारे पास ये सरिया रहती है। ठीक, इसी तरीके से इसकी लंबाई निकालना है, तो टोटल लंबाई का 3 मीटर × 0.3, तो 0.3 × L1 टोटल लंबाई L1 प्लस 50D यहाँ पर रही भी रहेगी, ठीक है, यहाँ पर ये घूमेगी जाके 50D यहाँ पर भी रहेगी, तो 50D माइनस 2 × D। तो इसी तरीके से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आराम से सरिया का, जिसमें जो 6 सरिया लगेंगी, 3 इस तरफ हैं तो 3 हमारी इस तरफ भी सरिया लगेंगी, तो इस तरीके से 6 सरिया हमारी हो जाएंगी। 6 की लंबाई अगर 11 बात करें तो 11.16 मीटर हो जाएगी, और 1 की बात करें तो 1.86 मीटर। अब बॉटम बार की बात करें तो बॉटम बार में देखेंगे आप कंटिन्यू बार कटिंग लेंथ, तो 20 डाई की है, तो L1 प्लस LD माइनस बैंड सेम प्रोसेस है, तो 300 हमारे पास L1 है प्लस 50D जो होता है LD डेवलपमेंट लेंथ होती है हमारी, तो डेवलपमेंट लेंथ दो जगह यूज की है तो 2 हो जाएंगे, माइनस 2 × T 20 क्योंकि बैंड है माइनस 2D, तो डाया यहाँ पर जो कंटिन्यू बार का बॉटम बार का दिया गया है वो दिया गया है 20, तो 20 और प्लस 2 बैंड हो जाएंगे, तो एक सरिया की जो बॉटम बार है 20 डाई की, एक सरिया की लंबाई हो जाएगी 4.92 मीटर। इसी तरीके से अगर 3 सरियों की बात करें तो 14.76 मीटर हो जाएगा। अब अगर हम दोस्तों बात करें बॉटम एक्स्ट्रा बार की, तो बॉटम एक्स्ट्रा बार हमारे पास कटिंग लेंथ आ जाएगी, तो कटिंग लेंथ जो बॉटम एक्स्ट्रा बार है ये थोड़ा सा डिफरेंटेड होती है। डिफरेंटेड क्या होती है कि 0.1 × L1 यहाँ से माइनस होगा, हमारे पास ये जो लंबाई है वो 3 मीटर दी गई है, और लेकिन ये जो 0.1 × L1 माइनस कर रहे हैं वो कॉलम के सेंटर से कर रहे हैं, तो कॉलम के सेंटर से इतना माइनस करेंगे टोटल लंबाई में से, जो कॉलम का सेंटर होगा वो हमें प्लस कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस कर लेंगे 0.1 × L1। इसी तरीके से 0.15 × L1 इधर से माइनस करेंगे, ठीक है, 0.15 × L1 इधर से माइनस करेंगे, तो जो हमारा स्पेस बीच का बचेगा, जो बीच का हमारा स्पेस बचेगा वही हमारी जो है उसकी बॉटम की एक्स्ट्रा बार कहलाएगी। अब इसकी लंबाई कैसे निकालें, तो देखो देखो दोस्तों ये मैंने आपको इधर से निकाल कर दिखाया बहुत आसानी के साथ। L1 हमारे पास टोटल स्पान प्लस कॉलम, जो हमारा जी कॉलम है, कॉलम ये जो कॉलम है हमारा C1 मान लिया हमने उसको, तो कॉलम बटे दो, मतलब कि कॉलम की जो चौड़ाई है उसके बटे दो, ठीक। इसी तरीके से C1 क्योंकि दो इधर इस तरफ यहाँ तक जाएगा ना, इसके हाफ तक जाएगा तो इधर भी हाफ तक जाएगा, तो ये दोनों जोड़ जाएंगे, माइनस 0.1 × L1 ये हम 0.1 × L1 माइनस कर देंगे, इसी तरीके से 0.15 × L1 दूसरी साइड का माइनस कर देंगे, तो L1 हमें दिया हुआ है 3000 प्लस 300, 600 का कॉलम है तो 300 ये हो जाएगा, 600 का कॉलम है तो 300 ये हो जाएगा, माइनस 0.1 × 3000 माइनस 0.15 × 3000, तो टोटल कितना आता है हमारा 2.85 मीटर हमारी लंबाई कटिंग लेंथ निकल आई है एक्स्ट्रा बार की। अगर 3 सरियों की बात करें तो हमारा हो जाएगा 8.55 मीटर, ठीक है। अब रिंग कटिंग लेंथ की बात करें तो रिंग कटिंग लेंथ में क्या होता है कि हमें सबसे पहले तो कवर छोड़ना पड़ता है, जैसे मैंने ये एक ए पोर्शन मान रखा है, तो यहाँ से लेकर जो हमने ए पोर्शन माना है तो हमारा जो टोटल बीम है वो है 230 का माइनस 2 × कवर, कवर कितना है हमारा, कवर दिया हुआ है 30 mm का कवर लिया हमने, तो 2 mm कवर हो जाएगा माइनस बैंड जो मैं आपको बता चुका हूँ 45 डिग्री पे अगर हमारी सरिया घूमती है तो माइनस, क्योंकि वहाँ पर तनाव हो जाता है, तनाव के कारण वो सरिया खिंच जाती है, तो उसका माइनस करना ज़रूरी होता है, तो बैंड क्या होता है 2 × डाया 2D, ठीक। 230 हमारा ऐसे ही हो जाएगा माइनस 2 × 30 कवर हो जाएगा, 30 mm कवर हो जाएगा इसका, बैंड 2 × 8 154 mm, ये जो हमारी यहाँ की लंबाई रिंग की निकलेगी 154 mm। इसी तरीके से बी पोर्शन की बात करें तो बी हमारा 450 दिया गया है, क्लियर कवर 30 क्योंकि दो क्लियर कवर जाएंगे हमारे, 30 इधर और 30 इधर, 60 हमारा टोटल हो जाएगा, दो कवर निकल गए, माइनस 2 × D एक बैंड यहाँ से चला जाएगा, ठीक। अब ये बैंड हमारा क्लियर हो गया, अब आ जाएगा हमारे पास 374 इसकी 374 मिलीमीटर, ये वाली जो लंबाई आएगी रिंग की 374 मिलीमीटर आएगी, ठीक है। इसी तरीके से कटिंग लेंथ की बात करें 2A क्यों है, क्योंकि ए हमारा ये एक साइड है, दूसरे साइड ए ये है, तो 2A हो गया, बी ये साइड है तो बी दूसरा साइड 2B हो गया, तो इसी तरीके से 2A + 2B। अब प्लस हुक जो हमारा ये देख रहे हैं आप, हुक ये हुक जो निकला हुआ है ये हुक, ये 10D होता है 10D, अब एक और दो ढूक निकले हुए हैं तो 2D 2 × 10D कर देंगे, तो A हमने निकाल चुके थे 154,
तो ए इंटू टू इंटू 154 प्लस बी निकाल सकते 374, 2 इंटू 374, इसी तरीके से 2 इंटू 10 डी, डाया हमारा 8 का है, रिंग में हमारा ज़्यादातर जो भी होता है वो 8 डाय का ही बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो लंबाई आई है 1.216 मीटर एक रिंग की लंबाई आई है। अब अगर दोस्तों बात करें हम कि हमारी ये टोटल जो इतना भी बीम है, ये 3 मीटर का बीम हमारा दिया हुआ है, इसमें रिंग कितने आएंगे, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि LY4 में 100 सेंटर टू सेंटर रिंग लिया जाएगा, LY4 में 100 सेंटर टू सेंटर रिंग लिया जाएगा और LY2 में 150 सेंटर टू सेंटर लिया जाएगा। तो हमने क्या किया है, इसने क्या किया है, ये L0 रखा है, ये जो एंड जोन देख रहे हैं ना, ये स्टीरफ्स इन एंड जोन, तो ये इन्होंने जो रखा है वो L0 रखा है, इस तरफ भी इन्होंने L0 रखा हुआ है, तो बाकी जो मिडिल जोन है उसको रखा हुआ है L2, तो इसको हम LC मान लिया है, LC, ठीक है। अब हमारे पास ये LC है, ठीक है। अब ये अगर 3 मीटर है तो L0 हमारा कितना आ जाएगा, LY4 बराबर 3000/4, तो 750 mm आ जाएगा हमारे पास। 750 mm को हम डिवाइड करेंगे रिंग लगाने के लिए, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 रिंग आ रहा है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी LY4 है, तो 2L0 हो जाएगा, 2 × 7.5, यानी कि टोटल 15 रिंग L0, LY4 इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ 15 रिंग हमारे आ जाएंगे। अब हम LC बात करें, यानी कि बीच वाले की सेंटर की बात करें, तो LC हमारा जो हो जाएगा LY2, तो 3000/2, यानी कि 1500 mm। अब इसमें हमने दे रखा है कि 150 सेंटर टू सेंटर रिंग दिया हुआ है, तो 150 रिंग सेंटर दिया है, तो 1500 को हम डिवाइड कर देंगे 150 से, कितना आ जाएगा 10 रिंग। तो टोटल रिंग हम अगर बात करें तो हमारे टोटल रिंग आएंगे दोस्तों, टोटल रिंग आ जाएंगे 25 रिंग। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर हमें BBS क्लियर करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो मैं ये आपको बता चुका हूँ। देखिए, हम सबसे पहले ये एक फॉर्मेट बना लेंगे, आइटम डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ सिस्टम, लंबाई, विड्थ, डेप्थ एंड हाइट, वेट किलोग्राम पर मीटर एंड क्वांटिटी। तो जो हमारा बीम था उसकी टॉप बार थ्रू थी, हमारे पास 3 सरियाँ थी, 3 बार थे, उसकी लंबाई हमने जो निकाली थी वो 2.85 निकाली थी। अब विड्थ हमारे पास है नहीं, हाइट एंड डेप्थ हमारे पास है नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो इसकी वेट की, तो जो 16 mm का सरिया जो होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि 16 mm का हमने इसमें डाया यूज किया था, इसका जो टॉप बार था हमने उसमें 16 mm का डाया यूज किया था। तो 16 mm की जो सरिया होती है उसमें जो वेट होता है पर मीटर के हिसाब से 1.58 मीटर होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके हमने जो निकाला वो निकला हमारा 13.50 किलोग्राम, ठीक है। अब एक्स्ट्रा की बात करें तो एक्स्ट्रा 6 सरियाँ थी हमारे पास, इसकी जो लंबाई थी 1.86 मीटर थी, तो इसी तरीके से अब जो 20 डाय का हमने जो एक्स्ट्रा बार थी हमारी वो 20 डाय की थी, तो जो 20 डाय की जो सरिया में वेट होता है पर मीटर के हिसाब से, किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से, वो होता है 2.46, तो इसी तरीके से इसका टोटल वेट निकला 27.45 मीटर। तो अब बात करें हम जैसे अगर उसकी बॉटम बार की, तो बॉटम बार की थ्रू बार थे हमारे पास 3 थे, इसकी एक की लंबाई थी 4.92। अब टोटल इसकी जो ये 20 डाय की सरिया थी, तो इसका जो वेट आया वो आया किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से 2.46, तो टोटल वेट हमारा हो गया 36.30 किलोग्राम। इसी तरीके से एक्स्ट्रा में 3 बार थे हमारे पास 2.85 लंबाई के, तो ये 16 की थी, तो 1.58 किलोग्राम पर मीटर 16 जो डाई की सरिया होती है उसमें वेट होता है, तो टोटल वेट आया हमारा 13.50 किलोग्राम। इसी तरीके से अब रिंग हमारी कटिंग लेंथ क्या थी, रिंग हमारे पास टोटल थे 25 रिंग और इसकी कटिंग लेंथ थी 1.216, तो इसकी और इसकी 8 डाय का सरिया था हमारे पास, तो 8 डाय का जो वेट होता है किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से वो 0.395 होता है, तो ये हमने जो टोटल मल्टीप्लाई किया तो इसका आया 12 किलोग्राम। तो टोटल इन सबको अब क्वांटिटी को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आता है 102.75 किलोग्राम, और अगर इसकी क्विंटल में बात करें तो 1.0275 क्विंटल हमारा ये वेट आता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें।